फाइनली हम लोग का सब्जी तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का एक नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं और एक नया जगह इधर पास में हम लोग जा रहे हैं। आज इसके ब्लॉग में हम लोग पिकनिक करेंगे। आज वही पिकनिक आप लोग के साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे सो कैसे कर रहे हैं और कैसा है हम लोग का पिकनिक और कहाँ जा रहे हैं करने के लिए, सब कुछ हम दिखाएंगे आप लोग को। प्लीज हमारे साथ बने रहे। आपको हम ये भी बता, हम लोग कहीं दूर नहीं, मतलब पास में जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए, यहीं पास में, जो आप लोग को के साथ शेयर भी करेंगे और दिखाएंगे। आप लोग को भी दिखाएंगे हम लोग पिकनिक कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, सब कुछ हम दिखाते चलेंगे। अभी तो मेरा चेहरा भी अच्छा से नहीं देखता होगा क्योंकि अभी धूप हो रहा है बहुत ज़्यादा है। अभी देख सकते हो इधर बहुत ज़्यादा अभी धूप हो रहा, मतलब अभी ठंड का मौसम, मतलब खास भी धूप नहीं, लेकिन अभी धूप का किरण सीधे मुँह पर पड़ रहा है तो अच्छा से अभी चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा। आपको ये बताते हैं, हम लोग ज़्यादा आदमी पिकनिक करने नहीं जाए, 4-5-6-7 आदमी जाएंगे पिकनिक करने के लिए। लोग इधर पास में पिकनिक कर, मतलब मेरा घर से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर के पास पिकनिक करने जा रहे हैं हम लोग। वो चलिए वहाँ भी दिखाएंगे, लेकिन हम लोग धार था, एक टेंगरा धार है उसी के पास में करेंगे। अभी हम लोग उतना हैसियत नहीं, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम लोग भी कहीं दूर और अच्छा प्लेस में जाएंगे पिकनिक करने के लिए। लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार और सपोर्ट करिएगा। या अभी ये इसी वक्त मेरा अपना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो हमारा साथ आप लोग को जब भी हम नया और इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना के हाले तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। लीजिए आप चलते हैं, आपको वहीं जा कर दिखाएंगे और दिखाएंगे हम लोग कैसे और क्या क्या कर रहे हैं पिकनिक में, सब कुछ हम दिखाएंगे आप लोग को। लीजिए आप लोग देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा केतारी यार को भी इधर हम लोग खेती करते हैं, इधर भी केतारी आ रहा है, पूरे केतारी यार, और सब कुछ केतारी हुआ, ये हुआ गेहूँ का खेती, वो हुआ भट्ठा जहाँ के हम एक ब्लॉग बनाए हुए हैं डॉग का, वो हुआ इधर। आप देखिए कितना ज़्यादा केतारी खेती है, जब देखिए ना तो कितना ज़्यादा जंगल है। इधर हम लोग आए हैं पिकनिक करने के लिए, अभी जा रहे उसी लगे हम लोग, हम थोड़ा सा पछुआ गए, मतलब हम पीछे हो गए आने में, हम वो थोड़ा काम था इसलिए हम दूसरा जगह चली गए, आते आते हमको लेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे धसा लगाया हुआ है, हम लोग इधर धार में धसा भी लगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे धसा लगाया हुआ है, मतलब अंदर में इसका जाल लगाता है, ऊपर से नहीं लगाता। ये बड़ा मछली जो रहता है वो अंदर ही रहता है ना, ऊपर से नहीं जाएगा। आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे केतारी है, जंगल वंगल है। अब चलते हैं आगे, हमारा साथी आ रहा, साथ फ़ोन भी किए, वो बोल रहा है हम लोग आगे हैं, आ जाओ इसी रास्ता से, हमको इधर इसी रास्ता से बोला है आने के लिए। चलिए आपको आगे कैमरा करके हम दिखाते हैं, लोग देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा केतारी है। थोड़ा कैमरा हिलता होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कहे कि अभी इधर खेत में है ना, हम ऊपर नीचे ज़मीन है जैसे होते रहता है। देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा केतारी, इधर देखिए जंगल है। आप लोग थक गए जाते जाते, बहुत ज़्यादा दूर में है, वहाँ पे है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लीजिए हम लोग पहुंच चुके, आप लोग देख सकते हैं ये लोग अभी नाश्ता कर रहा है। आपको ये भी दिखाते हैं अभी हम लोग क्या बनाएंगे, वो देख सकते हैं ये गोश्त लाए हुए, हम लोग इसे मटन कहते हैं, इसे बनाते हैं। अभी नाश्ता में ये लोग नाश्ता खा रहा है, सब कुछ खा पी रहा है, ये देखिए मछली भी खा रहा है नाश्ता में, इसको भूजा हुआ है। देखिए कितना नाश्ता में रंपा मारू आरू सब कुछ लाया हुआ है, मछली आरू भी लाया। चलिए आप लोग को हम नाश्ता खाने के बाद मिलते हैं।
नाश्ता वास्ता कर चुके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब चल दिए घूमने फिरने के लिए, थोड़ा इधर उधर जा रहे घूमने के लिए। मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जी, हम लोग आ चुके हैं घूम फिर के। आप लोग देख सकते हैं सब आदमी बैठे हुए हैं। अब आगे काम करेंगे आप हम लोग, उसमें गोश में सब सामान आरो मिला रहे हैं, सब कुछ उसमें मिलाएंगे तब देखे सब उसको तलेंगे, फिर उससे सब सामान आरो हर एक चीज़ हर एक मसाला पहले ही मिला लेते हैं जो अच्छा रहता है, सो सब कुछ मिलाते हैं। फाइनली सब कुछ मिल चुका है आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा मीट मसाला बाकी रह गया था मिलाने के लिए, अब उसको भी मिलाते हैं। अब चलिए आगे काम दिखाते हैं। इधर ये लोग कंती को भी गरम कर रहा है, जिसमें अब तरह गरम हो चुका है। अब इसमें तेल डालते हैं, तेल डालने के बाद तेल को गरम होने देंगे थोड़ा देर। अब तेल गरम हो चुका है आप लोग देख, अब इसमें हम लोग गोश्त डालते हैं जो उसको हम भूजेंगे पहले ही तेल में। चलिए अब इसको डालते हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। गोश्त डालता है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलिए अब इसको हम सब गोश्त इसमें डालते हैं और उसको भूजते हैं हम लोग सब आदमी मिल के। तो देख सकते कितना अच्छा से भूज रहा है इसको गोश्त को। एक आदमी आँच लगा रहा है, एक आदमी गोश्त भूंज रहा है। तो देख सकते ये लोग फाइनली आधा हो चुका है, गोश्त भूंजा हुआ है। अब चलिए इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, थोड़ा देर के बाद बाहर निकालेंगे। अभी इसको थोड़ा मोड़ा और अच्छा से भूनना पड़ेगा। चलिए अब निकालते इसको बाहर, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं सबको अच्छा तरीका से। फिर इसमें हम लोग तेल डालेंगे, फिर इसमें हम लोग प्याज डाल के फिर प्याज को पूरा अच्छा से भूनेंगे और जलाएंगे। तो कितना बेस्ट लग रहा है ये गोश्त आपको। इसमें भी हल्दी डाले हुए हैं, थोड़ा सा अच्छा से भून के रख दिए इसको। अब इसमें मसाला है, मसाला तैयार हो रहा है। तब तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा से इसको भूनते हैं। तेल भी अच्छी तरीके से डाले हुए हैं पूरा गोश्त में, इतना मस्त लगेगा खाने में। जैसे कि हम बना रहे हैं ये, वह हम लोग का पूरा गांव का है, पूरा लड़का सब। अच्छा से भून लिए इसको, फिर थोड़ा सा मिर्च डालना हमको, फिर थोड़ा सा है मिर्च डाल दिए थोड़ा सा पाक लगने के लिए, अच्छा से पकेगा, अच्छा लगेगा खाने में के लिए। अब इसको इसको डाला देना उधर। अभी इसमें पाक लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से प्याज को पूरे मतलब नीचे लगने नहीं दे रहा है, पूरे नीचे में लग जाएगा तो जल जाएगा, जलने के बाद अच्छा नहीं लगते रहता ना। इसको अच्छा से पूरे जलाते हैं तो अच्छा लगेगा। हम इसको ये डरने नहीं देंगे, इसको ये डर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा से पाक लग चुका है। ये हल्दी दिए, इस वजह से हो रहा है, हल्दी दे के इसको ठीक है। इसको अच्छा से हम पाक लगा रहे हैं। एक गोश्त उधर गिरा है, वो उसका वो क्या बोलता है तुम लोग का धर्म, वो इससे करता है ना चूली को, थोड़ा बहुनी करता है ना, इसलिए हमको मालूम है, इसलिए छोड़ दिए उसको, गिरा नहीं हुआ उसको, तुम लोग का बहुनी नहीं है वो क्या बोलता है। थोड़ा तब तक हम लोग गोश्त उधर भोज के रख दिया है, अब उसको डालना है थोड़ा देर में। तब तक हो गया, अब प्याज पूरा अच्छा तरीका से जलाया हुआ आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग गोश्त भी डाल दिए हैं आप लोग देख सकते हैं इधर। अब इसको गोश्त डालने के बाद इसको अच्छा से हम लोग मिक्स करेंगे, जो देखने में भी और खाने में भी बहुत ही अच्छा और लजीज लगे, जो आप लोग को भी देख के मुँह में पानी आ जाएगा। ऐसा ही हम लोग इसको बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। चलिए इसको भूने हुआ तो हो गया पूरा लगभग, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब चलिए अब इसमें थोड़ा देर बाद इसमें हम पानी हालेंगे। चलिए अब इसमें पानी डालते, पानी डाला हुआ हो चुका, अब लोग देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है देखने में। अब चलिए इसमें हम थोड़ा धनिया आरो जोता थोड़ा मरा मसाला वो भी हम लोग डालते हैं, जो खाने के साथ साथ देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा और आप लोग को भी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अब इसमें धनिया डालते, आप लोग देख सकते हैं दोनों आदमी मिल के धनिया डाल रहा है। देखिएगा धनिया डालने के बाद कितना अच्छा लगता है देखने में। आप लोग रुकिए पाँच मिनट क्या, अभी दो मिनट में आप लोग को देखिए यहाँ पे धनिया डाल रहा है इसमें। अब तो इस लोग काटने में थोड़ा लेट लगा रहा है और देख आदमी मांग रहा है हाथ में से जो छींटने का अच्छा उसको एक्सपीरियंस है, और वो खाने वाना बनाते रहता है या कहीं पिकनिक विकनिक करता है, इसको खाना बनाने में लाए। देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है देखने में धनिया छींटने के बाद, और इसका खाना का स्वाद भी बदल जाता है धनिया छींटने के बाद, धनिया का स्वाद ही अलग रहता है लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें धनिया हो चुका है हम लोग को छींटा हुआ, लोग देख सकते हैं। अरे अब गोश्त लगभग हो ही गया है बन के,
और इसको खूबसूरत बनाने के लिए फाइनली गोश्त तैयार हो चुका है। क्या है कि अभी कंती में कंती बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अभी गर्म होता है, इसको फिर हम लोग ले जाके चटाई पर रखेंगे तो पूरा चटाई ख़राब हो, इसलिए हम लोग इसको तपेस में निकाल रहे हैं, से उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा और खाने में भी और देखने में भी अच्छा लगेगा। फाइनली अब हम लोग खाने पर चले गए, वो देख सकते हैं कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर ले हम लोग पतली ली। अब चलिए खाना खाते हैं। खाना खाया हुआ हो चुका, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं और आदमी कोई कोई खाना खा ही रहा है, देख सकते हैं कितना बड़ा भुखड़ारू खाना खा ही रहा भी सब, आप लोग देख सकते हैं इधर। अब हमको दिखाते हैं, देखिए सब जो खाना पीना खा कर आराम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरे हम लोग खाली कर चुके हैं सब कुछ। लीजिए आप लोग हम लोग चलते हैं, हो चुका है पिकनिक करा हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम लोग चल रहे अपना अपना घर और रास्ता। देख सकते आप लोग कितना ज़्यादा बाद में हम लोग आए थे पिकनिक करने के लिए, को हम ये भी दिखाए थे जो हम लोग का नदी के साइड में आए थे पिकनिक करने के लिए, आप लोग को हम नदी भी दिखाए थे, सब कुछ देखा था। मतलब फेवड़ा डोल तोल पानी लाने के लिए भी हम लोग सब कुछ कमती बाल्टीन और सब कुछ लाए थे इधर पिकनिक करने के लिए, हम लोग सब कुछ लाते हैं और सब कुछ लेके जाते हैं। लीजिए अब खत्म। आई होप हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ब्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।